ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के अचानक स्वास्थ्य का हवाला देकर उपचुनाव से पीछे हटने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने धर्मशाला से विजय इंद्र करण को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस का टिकट पाकर दिल्ली से धर्मशाला लौटे विजय ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना भी शुरू कर दिया है और प्रचार के लिए भी तेजी ला दी है। कांग्रेस पार्टी से हमेशा गद्दी चेहरे को मैदान में उतारने की मांग उठती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। कांग्रेस का टिकट पाकर दिल्ली से धर्मशाला लौटे विजय इंद्र करण के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का दौर शुरू हो चुका है और तेजी से वे अपने प्रचार पे भी बढ़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से हमेशा गद्दी चेहरे को मैदान से उतारने की मांग उठती रही थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक बार धर्मशाला से मनोज कुमार को इस समुदाय का टिकट मिला था, लेकिन सुधीर शर्मा ने उनकी टिकट को काटकर धर्मशाला का प्रतिनिधित्व किया था और इस बार गद्दी समुदाय से विजय को टिकट दिया गया है। जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाले कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से युवा कांग्रेस के प्रभारी विजय इंद्र करण पेशे से होटलर हैं और पिछली सरकार में वे पर्यटन निगम के निदेशक थे। उन्हें निदेशक बनाए जाने में सुधीर शर्मा का ही हाथ था, लेकिन अचानक सुधीर शर्मा से दूरी बढ़ने की वजह से विजय दूसरे खेमे में चले गए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने अब उन्हें धर्मशाला से नया चेहरा बनाया है। टिकट मिलने के बाद पहली बार धर्मशाला पहुंचे विजय इंद्र करण ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि टिकट के लिए वे केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश के आला नेताओं का आभार जताते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला से युवा प्रत्याशी पर भरोसा जताया है और वे जरूर उपचुनाव जीतेंगे और धर्मशाला में रुके हुए विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे। कमी नहीं है जी, बेरोजगारी और महंगाई आपने देखा। अगर आज बात करें प्याज 85 रुपए के आसपास पहुंच गया, बेरोजगारी का चरम पे है और इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क था। तो मुद्दे बहुत हैं और लोगों के बीच में इन मुद्दों को लेके जाएंगे और लोग भली भांति जानते हैं। उनका मोह मोदी सरकार से भंग हो चुका है और जयराम जी की सरकार से भंग हो चुका है, तो लोग निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस के लिए वोट करेंगे और निश्चित तौर पे हम जीत के आएंगे। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने जो है चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भाग न लेने के लिए अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, तो उसकी कमी को किस प्रकार देखते हैं आप? नहीं, वो उनसे बात हुई है, वो आएंगे। सुधीर जी भी चुनाव प्रचार में आएंगे और हमारे जो CLP लीडर हैं और जो हमारे बाकी शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पे प्रचार के लिए आएगा सर। और जैसे कांग्रेस जो है वो मुद्दों को भुना नहीं पाती है, तो आपकी उस पुरजोर तरीके से हम पूरा एक इनकी विफलताएं लोगों के बीच में लेके जाएंगे, उसका एक पत्र भी तैयार करेंगे और लोगों के बीच में बताएंगे कि ये इनके वायदे थे जो कि ये पूरे नहीं कर पाए और हम क्या करेंगे उसके लिए भी हम अपना विजन लोगों के सामने रखेंगे। अब वो अभी बनेगा जी, आप बैठ के सारे लोग बैठ के बनाएंगे और मंथन करेंगे उसके, और जो भी लोगों से जो बातें आएंगी वही हम अपने दृष्टि पत्र में रखेंगे।